हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का सवाल है। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो माना लड़कों की संख्या यहाँ पर अनुपात में दिया गया है 5:3, यानी कि इसको मानेंगे 5x तथा लड़कियों की संख्या 3x है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि माना लड़कों की संख्या 5x तथा लड़कियों की संख्या 3x है। अब हमें क्या करना है, 5x देखो यहाँ पर जो लड़कों की संख्या दी गई है कितना है, 480 है। तो ये जो 5x है वो 480 के इक्वल में होगा। ठीक है, यानी कि लड़कों की संख्या बराबर में कितना है, 480। और ये मैंने कितना माना है, 5x। तो यानी कि 5x इज इक्वल टू में 480। तो x इज इक्वल टू आएगा 480 अपान में 5, यानी कि x इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा। अब लड़कियों की संख्या फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, ये 3x है तो 3x में यानी x का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लड़कियों की जो संख्या होगी की संख्या बराबर 3x, यानी कि 3 गुणा में 96। तो ये आएगा 3 6 18, 3 9 27 और 1 28, यानी 288। यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या प्राप्त हुई वो 288 प्राप्त हुई।